तमाम दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि जितनी भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो जॉब्स आई हुई हैं वो उनको आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं और किस किस एरिया की पोस्ट आई हुई हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है जितने भी दोस्त बेरोज़गार हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकान पर प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ जॉब्स के हवाले से बनाऊँ वो आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP रिक्वायरमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये है फुली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन जो है ना चले जॉब्स हैं कुछ ना कुछ आएगा। तो चलते हैं जी, ये एक जो है ना जॉब है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर कैडर, ये 19 स्केल की जॉब है, दो वैकेंसीज है, मैक्सिमम एजेस की 40 ईयर है। BISP हेड ऑफिस की है, कोटा जो है ना मेरिट पे होगा, पूरे पाकिस्तान से इस पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना सेकंड क्लास जो है ना यूनिवर्सिटी 16 ईयर जो है ना एजुकेशन चाहिए और 12 साल का इसका तजर्बा चाहिए क्वालिफिकेशन रेलिवेंट फील्ड, इसके फील्ड में 12 साल का तजर्बा। डायरेक्टर फाइनेंस है कैडर जो है ना इसका भी 19 स्केल है, दो वैकेंसीज हैं, एज लिमिट 40 ईयर, ये भी मेरिट है हेड ऑफिस पे। उसके बाद इसकी भी मास्टर डिग्री चाहिए और 12 साल का तजर्बा चाहिए। उसके बाद जो है ना डायरेक्टर टेक्निकल कैडर, ये भी 19 स्केल का है, उसके दो पोस्टें हैं, 40 ईयर उसकी जो ना उम्र होनी, 40 साल उसकी लास्ट एज है। BISP हेड ऑफिस और मेरिट, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना ये 2.5/4 जो ना ये CGPA चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन, 12 साल का जो ना तजर्बा और इन सब्जेक्ट्स में इन इकनॉमिक्स सोशलॉजी वगैरह वगैरह, ऊपर ये फाइनेंस कॉमर्स की जो ना मांगी हुई है, ये जो है ना इकनॉमिक्स एंथ्रोपोलॉजी सोशलॉजी वगैरह जो है ना उसमें मास्टर की हुई हो। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, ये टेक्निकल कैडर्स है, इसके लिए BPS 18 है, 7 पोस्ट हैं, 35 साल की इसकी लास्ट एज है। एनीवेयर इन पाकिस्तान प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहीं पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है, पंजाब मेरिट पे एक है, पंजाब की एक है, KPKP की भी एक है, बलूचिस्तान एक, सिंध एक, सिंध अर्बन एक, रूरल एक, टोटल 2 सीटें हैं। उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, ये BPS 18 है, इसकी 3 पोस्टें हैं, 35 साल इसकी लास्ट एज है। एनीवेयर इन पाकिस्तान पंजाब की एक है, KPK की एक, सिंध की एक, और जो है ना सेकंड क्लास इन्होंने मास्टर डिग्री की हुई हो, 2.5 इसकी जो है ना वो CGPA हो और MPA किया हो, MBA किया हो या जो है ना उसने लॉ किया हुआ हो, और मस्ट बी प्रोफेशनल MS ऑफिस, 5 साल का इसका तजर्बा होना ज़रूरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर है 17 का, BPS 17, 30 ईयर इसकी लास्ट एज है, 30 वैकेंसीज़ हैं, 30 ईयर इसकी जो है ना वो मैक्सिमम एज है। एनीवेयर इन पाकिस्तान उसकी 12 जो है ना वो मेरिट पे हैं, पंजाब की 7 हैं, बलूचिस्तान की 1 है, सिंध 10 हैं, रूलर की अर्बन की 4 और रूलर की 6। ये जी सेकंड क्लास डिग्री है ना, ये भी मास्टर जो है ना एजुकेशन चाहिए, डेवलपमेंट जो है ना इकनॉमिक्स सोशलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मैनेजमेंट पोलिटिकल जो भी हो, उसके इसका तजर्बा कोई नहीं है, ये जो है ना सिर्फ मास्टर की हुई है उसने, असिस्टेंट डायरेक्टर 17 के लिए। फिर है अकाउंट असिस्टेंट BPS 14, ये 14 स्किल का है, उसके लिए वैकेंसी 3, एज लिमिट इसकी 25 साल है, इस्लामाबाद जो है ना प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद, पंजाब का कोटा 2 है और सिंध 1 है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री, इन्होंने बैचलर डिग्री की हो कि इसमें फाइनेंस अकाउंट्स कॉमर्स और MS ऑफिस जानता हो। उसके लिए ऑडिट असिस्टेंट, ये जो है ना इसका भी 14 स्केल है, 4 वैकेंसीज हैं, 25 साल इसकी लास्ट जो है ना एज है, इस्लामाबाद के लिए, 2 पंजाब की, 1 सिंध की, 1 KPK की, ये इसके लिए भी बैचलर चाहिए कॉमर्स वगैरह का जो है ना, इसने बैचलर किया हुआ। असिस्टेंट कंप्लेंट, ये SPS 14, 4 वैकेंसीज है, 25 साल उसकी एज है, इस्लामाबाद की जो है ना पोस्टिंग है, 2 मेरिट पे हैं, 1 KPK की, 1 बलूचिस्तान की, जब उसने भी जो है ना मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री की हुई हो, ठीक है ना। और उसके बाद इसका 40 की जो है ना टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, MS ऑफिस जो है ना, और उसके बाद टाइपिंग स्पीड। असिस्टेंट कंप्लेंट, ये SPS जो है ना ये 14, 30 साल इसकी लास्ट, 30 वैकेंसीज हैं, 25 साल इसकी आखिरी एज की स्टेज है, पंजाब की 6 हैं, सिंध की 10 हैं, बलोचिस्तान 7, KPK 3, आज़ाद जम्मू कश्मीर 2 और GB की 2, और इसने क्या बैचलर डिग्री की हुई हो और उसके साथ 40 की इसकी टाइपिंग स्पीड हो। फील्ड सुपरवाइजर BPS 4, 30 इसकी वैकेंसीज हैं, 25 साल इसकी लास्ट एज है, पंजाब की 6, सिंध की 10, बलोचिस्तान की 7 और KPK के 3, आजाद जम्मू कश्मीर 2 और GB की 2, इसके लिए भी इसने बैचलर डिग्री की हुई और 40 की स्पीड हो। डाटा एंट्री असिस्टेंट BPS 14, ये भी जो ना 25 साल इसकी जो ना मैक्सिमम एज, 4 वैकेंसीज है, इस्लामाबाद इसकी पोस्टिंग है, 2 मेरिट पे हैं, सिंध में 1 है, अर्बन 1 और बलोचिस्तान में 1, सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री, 40 की स्पीड और इसने जो है ना डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस IT में किया हुआ हो।
उसके बाद ये इसका अप्लाई करने का तरीका, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीन टेस्ट जो ना लिया जाएगा उसमें जो ना ये करने के बाद इसकी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अच्छा ये जी, ये हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप्स आर अवेलेबल ऑन द CTS कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस पे आप जाके इसके फॉर्म वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जी एक एडवर्टाइजमेंट थी, उसके नीचे एक दूसरी भी है, ये सोशल मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर, इसके लिए दो पोजीशन है और इसकी फिक्स सैलरी है। ये जो सैलरी है इनकी फिक्स है, 1.5 लाख इसकी सैलरी है। 16 एज एजुकेशन जो है ना वो 16 ईयर एजुकेशन चाहिए और 5 साल का तजर्बा हो। ये कम्युनिकेशन स्टडीज़, जर्नलिज्म, मीडिया साइंस इसके जो सब्जेक्ट हो वो ये होने चाहिए। MIS कोऑर्डिनेटर इसके लिए एक पोजीशन है, इसकी भी 1.5 लाख to 2 लाख इसकी सैलरी है। क्वालिफिकेशन 16 ईयर वो IT साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई हो उसने और 5 साल का उसको तजर्बा हो। M&E ऑफिसर इसकी भी दो पोजीशन है, 1 लाख से 1.5 लाख तक इसकी जो है वो सैलरी होगी। 16 ईयर एजुकेशन और जो है डेवलपमेंट स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक बिजनेस और इसमें जो है इन्होंने किया हो, मिनिमम 4 साल का इसको तजर्बा ज़रूरी है। फिर एनोमरेशन ऑफिसर ये भी इसकी 1 लाख to 1.5 लाख है, 16 ईयर क्वालिफिकेशन और 4 साल का तजर्बा। ऑफिस मैनेजर इसकी भी जो है 1.5 लाख से 2 लाख तनख्वाह है, क्वालिफिकेशन 16 ईयर, 10 साल का इसका तजर्बा होना जरूरी है। ऑपरेशन ऑफिसर इसकी एक पोजीशन है, 1 लाख to 1.5 लाख इसकी जो ना सैलरी है, 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट साइंस में, 4 साल का तजर्बा होना जरूरी है। लीड ट्रेनर इसकी जो है ना 1.25 लाख से 2 लाख तक तनख्वाह है, उसके बाद जो है ना ये 16 साल की उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आर एनी, 4 साल का इसका तजर्बा होना जरूरी है। मास्टर ट्रेनर इसकी भी जो है ना 75,000 to 1 लाख जो है ना इसकी सैलरी होगी, 16 ईयर एजुकेशन है, उसके बाद इसने जो है ना वो पब्लिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस वगैरह में इसने किया हुआ, 3 साल का तजर्बा ज़रूरी है। केस मैनेजमेंट ग्रीवेंस रिजल्ट्स ऑफिसर इसकी 4 पोजीशंस हैं, 1 लाख रुपये तनख्वाह है उसकी और 1 लाख to 1.5 लाख इसकी तनख्वाह है, 16 ईयर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, मैनेजमेंट साइंस आर इक्वल एंड इवन जो भी है इसमें, और 4 साल का तजर्बा होना जरूरी है। डाटा मैनेजमेंट ऑफिसर एक पोजीशन है, 1 लाख से 1.5 लाख इसकी तनख्वाह है, 16 ईयर इसकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी मैनेजमेंट साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और ETC, उसके बाद 4 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन ये 16 साल की इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें भी जो है 3 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। फील्ड एसोसिएट चार वैकेंसी हैं, 80,000 to 1,25,000 इसकी तनख्वाह, बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री इन सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर एनी फील्ड, उसके लिए जो है ना एटलीस्ट 3 साल का उसका तजर्बा होना ज़रूरी है। ऑफिस असिस्टेंट क्वालिफिकेशन उसकी 3 पोजीशन है, 50,000 to 80,000 उसकी तनख्वाह होगी, एटलीस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें किया हुआ और 2 साल का तजर्बा होना जरूरी है। ड्राइवर है, 4 पोजीशन है, एटलीस्ट मैट्रिक उसकी तालीम हो, 1 साल का ड्राइविंग का तजर्बा और LTV लाइसेंस लगता हो, 30,000 से 40,000 उसकी तनख्वाह। ऑफिस बॉय PN नैब का सेज 3 पोजीशन है, 20,000 जो है ना उसकी 20,000 to 25,000 उसकी है, एटलीस्ट मैट्रिक जो है ना उसने किया हुआ, 1 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। इसके लिए भी आप CTS पे जाके इसके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर प्रेस करें और दूसरे तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।